हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सर। तो गाइस, आप सभी का एक क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है कि भाई रील के लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होने वाला है। और गाइस सीरियसली, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज होने वाली है। इस वीडियो में आपका जो कैमरा बताने वाला हूं ना, वो सुनने के बाद आपकी सारे जितने भी कन्फ्यूजन हैं और आपका जो बजट को लेकर टेंशन है कि अच्छा वीडियोग्राफी कैमरा बहुत हाई बजट में है, अच्छा वीडियोग्राफी कैमरा बहुत हाई बजट में, तो लो बजट में अंडर 20 के न्यू कैमरा और मिररलेस कैमरा आज आपको बताने वाला हूं मैं। बिलीव कर सकते हो आप, 20,000 के अंदर न्यू मिररलेस कैमरा जिसमें वीडियो ऑटो फोकस आपको मिल रहा है, 179 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल रहे हैं, फेस डिटेक्शन जैसे और बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कबीर मलिक, वेलकम टू कबीर फोटोग्राफी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा कैमरा होने वाला है गाइज, उसका नाम है सोनी अल्फा ए इक्यावन सो। एक ऐसा कैमरा है जिसके प्राइस मैंने अभी अभी जस्ट गूगल पर चेक किए थे और इसके प्राइस जो भी अभी आ रहे हैं 20,000 रुपीज का रिलायंस डिजिटल में मिल रहा है। ये इसका जो किट लेंस है उसके साथ, ठीक है, रिलायंस डिजिटल पर आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज में। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी लेने जाते हो तो शायद वहां पे तो आपको कम मिल जाए। और अब अगर इस कैमरा की वीडियोग्राफी की बात करें तो भाई सोनी A6000 को टक्कर देने वाला कैमरा है वीडियोग्राफी के मामले में। 179 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं मैं, 2K तक यानी कि 1920p तक आप इस पे 60fps तक वीडियो को शूट कर सकते हो। और अगर आप रील्स के लिए, वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेना चाहते हो तो क्या इससे बेहतर कैमरा अंडर 20 के आपके लिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर आप इसका वीडियो टेस्ट चाहते हो या वीडियो आपको देखनी है तो नीचे एक व्लॉग का लिंक डाल रहा हूं, उसमें स्टार्टिंग की जो व्लॉग है वो इसी कैमरा से मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं। और इसमें एक और, आपको अगर आप व्लॉगिंग के लिए कैमरा लेना चाहते हो तो इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी ऐसे आ जाती है, सोनी की सिर्फ ऐसे आती है, इसकी ऐसे पूरी घूम जाती है स्क्रीन, आप साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी स्क्रीन पूरी घूम जाती है। और अगर आप इसकी वीडियोग्राफी की बात करें तो टॉप नॉच क्वालिटी आपको मिलने वाली है इस प्राइस रेंज पे। बहुत से बंदे मुझसे क्या कहते हैं कि भाई हमें रील्स बनाने के लिए कैमरा लेना है, क्या निकॉन D3500 ले लें, क्या निकॉन D5600 ले लें, क्या निकॉन ये ले लें, क्या वो ले लें। भाई जब आप स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेना चाहते हो तो आप वही कैमरा लोगे ना जो वीडियोग्राफी में बहुत अच्छा होगा। ये पॉइंट आपको नोट हो रहा है ना गाइस, तो वो कैमरा लो जो वीडियोग्राफी में अच्छा हो। इससे बेटर कैमरा मैं मान नहीं सकता हूं कि इस बजट रेंज में, और वो भी न्यू। सेकंड हैंड की तो बात अलग रही, बट इस बजट रेंज में न्यू कैमरा मिल जाना आपको वीडियोग्राफी के लिए, और फोटोग्राफी बहुत अच्छी इससे होती है। पर्सनली मैंने सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर रखी है। मेरे चैनल पे इससे एक रिलेटेड वीडियो भी पड़ी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने इसकी फोटोग्राफी भी करी और वीडियोग्राफी भी करी, और एक स्पेशली और वीडियो A51 रिलेटेड मैंने बना रखी है। बट लिटरली मेरे को नहीं पता था कि ये इतना सस्ता हो गया है। उस टाइम पे ये 35,000 का था और अभी ये 20,000 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो गाइस जल्दी जाओ, और अगर आपको बाय करना है तो मैंने ये लिंक कोई भी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, जाके सीधा सर्च करो सोनी A5100L और रिलायंस डिजिटल आगे डाल देना। रिलायंस डिजिटल एक ट्रस्टेड साइट है, वहां से जाके आप इस कैमरा को बाय कर सकते हो। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कुछ खास खास स्पेसिफिकेशंस बिना देर करे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को जानना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोनी अल्फा ILC, मतलब इसका नाम है A5100, और ये APS-C सेंसर कैमरा है, क्रॉप सेंसर है, मिररलेस, और 24.3 मेगापिक्सल का कैमरा है अंडर 20,000। और अगर एंटी डस्ट सिस्टम की बात करें तो वो भी इसमें आपको मिल जाता है, इमेज साइज पिक्सल भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें तो पिक्चर इफेक्ट तो उसमें आपको सारे मिल जाते हैं, विविड, न्यूट्रल, हाई कॉन्ट्रास्ट फोटोज, लैंडस्केप, L+, जो भी आपको मिलता है अदर कैमराज में, सब आप में इसमें मिल जाते हैं आपको। और रो में भी इस पर आप शूट कर सकते हो, ACV HD वगैरह सब कुछ मिल जाता है। 1920x180p तक आप इसमें 60fps तक शूट कर सकते हो फुल HD वीडियो। उसके बाद हम बात करें मूवी फंक्शंस में, आपको ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ऑटो फोकस ट्रैकिंग ड्यूरेशन मिलता है, ऑटो फोकस ड्राइव स्पीड को आप एडजस्ट करते हो कर सकते हो, ऑटो स्लो शटर का ऑप्शन मिलता है, HDMI मिल जाता है, और डिस्प्ले आपको बहुत ब्राइट मिल जाती है इसकी। और उसके बाद हम बात करें नॉइस रिडक्शन भी काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाता है, और फोकस टाइप भी काफ़ी अच्छा है, और EXMOR सेंसर मिल जाता है CMOS। और फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो वाइड में आपको 179 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, 25 पॉइंट्स कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, जोन सेंटर फ्लेक्सिबल स्पोर्ट्स काफी सारे जोन पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए गाइस इस स्पेसिफिक पॉइंट में? आई होप अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि इस प्राइस रेंज में आप DSLR में पैसा इन्वेस्ट करोगे या वेस्ट करोगे DSLR लेने में वीडियोग्राफी के लिए।
या फिर आप 20,000 खर्च करके एक ऐसे कैमरा पे जाना चाहते हो जिसका ऑटो फोकस बहुत ही सुपर फास्ट है वीडियोग्राफी में, तो अब आपकी मर्जी है कि आप निकॉन D5600 पे पैसा वेस्ट करोगे जिसमें ऑटो फोकस आपको नहीं मिलता है, या फिर आप सोनी पर जाना चाहोगे जो एक मिररलेस कैमरा है। और अगर इसके लिए बेस्ट लेंस की बात करें तो सोनी अल्फा A6000 या फिर सोनी अल्फा A5100 के लिए बेस्ट वीडियोग्राफी लेंस हो सकता है 50mm 1.8, या फिर अगर इसके नीचे भी आप बात करें तो 35mm 2.8 का एक लेंस आता है या 2.0 का एक लेंस आता है, आप उसको भी बाय कर सकते हो। काफी अच्छे लेंसेज रहने वाले हैं वीडियोग्राफी के लिए। और अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो जो उसका किट लेंस है उससे बहुत प्यारे भूखे के साथ व्लॉगिंग हो जाती है, बहुत अच्छा ब्लर इसके किट लेंस से भी आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यही तक थी, तो टाटा और बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।